हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है विकास 31 टेक। तो फ्रेंड्स, अगर आप फेसबुक चलाते हैं, फेसबुक को यूज़ करते हैं, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि आप फेसबुक पे अपनी प्रोफाइल फोटो को कैसे डिलीट कर सकते हैं, कैसे उसे हटा सकते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें ताकि आपको मेरी आने वाली हर एक नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिले। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन के ऊपर, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो इसमें हमें सबसे पहले फेसबुक के एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे ये फेसबुक की एप्लीकेशन ओपन कर ली है। उसके बाद आपको यहाँ पे राइट कॉर्नर में 3 लाइंस दिखाई देंगे, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर सी यूर प्रोफाइल, इसके ऊपर क्लिक कर देना है आपको। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे आपकी प्रोफाइल फ़ोटो होगी। इसको रिमूव करने के लिए क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। आपको इस फ़ोटो के ऊपर टैप करना है और उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको कोई भी डिलीट का ऑप्शन दिखाई नहीं देता। तो आपको क्या करना है, ये व्यू प्रोफाइल पिक्चर, आपको सेकंड लास्ट जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आपको इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। तो हम इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये पिक्चर हमारे सामने ओपन हो जाएगी और आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर आपको टॉप राइट कॉर्नर में 3 डॉट्स दिखाई दे रहे होंगे। आपको इन 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आपको यहाँ पर देख सकते हैं आप डिलीट फ़ोटो का एक ऑप्शन दिखाई देगा आपको, ठीक है, 5th नंबर पे। तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आपको डिलीट कर देना है। फिर से रिफ्रेश कर देंगे, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये हमारी प्रोफाइल फ़ोटो यहाँ से डिलीट हो चुकी है। तो इस तरीके से आप फेसबुक से अपनी प्रोफाइल फ़ोटो को डिलीट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी और आपने ये सीख लिया होगा कि आप फेसबुक की प्रोफाइल फ़ोटो को कैसे डिलीट कर सकते हैं, वो भी बहुत ही आसानी से। अगर फिर भी वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो इसे लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।